हरे कृष्णा। खटारा ट्रेन आ गई। खटारा ट्रेन आ गई। ये दिवाली की रात तो निकल गई थी, फिर सुबह के समय में गौ माता को कुछ खाने के लिए देने जा रही थी, तब देखिए बच्चों ने कितनी धूम मचा रखी है पटाखे की। मैं रात को बाहर आई नहीं दिवाली के दिन, बस दिए जला के अंदर ही चली गई। किसने क्या पटाखे फोड़े, कैसी मतलब बाहर अच्छा था, मैंने नहीं देखा। मैं यहाँ सुबह के टाइम में सब पैकिंग कर रही थी और सब लोग सो रहे थे, तो कम से कम मुझे एक घंटा लग गया पैक करने में। और ये छोटी ना बार बार जो मैं इसके कपड़े थे ये बार बार बैग के ऊपर ऐसे डाले जा रही थी कि मेरा ये डालो ये डालो। मैंने कहा इसके कपड़े में बाद में सेलेक्ट करके डालूंगी, पर ये बिल्कुल भी मानती नहीं है बात को। और सिद्धार्थ और उसके पापा सोते रहे ना देर तक, तो मेरी आराम से पैकिंग होगी। पैकिंग करने के लिए बिल्कुल शांत दिमाग चाहिए, और पूरा दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला था रिकॉर्ड करने का। तो ये हल्द्वानी से लाल कुआं में जा रही थी, तो ये देखो कितनी सीरियस बच्ची होके भैया के पास बैठी हुई है। हो गया। मुझे तो लगा कि भीड़ नहीं होगी, पर ट्रेन में बहुत भीड़ थी। जनरल डिब्बों में मैं बैठी थी जबकि जनरल डिब्बे खाली जाते थे, बहुत भीड़ थी। हम लोग ये यहाँ पर लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए थे और हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चल रही थी, तो 10 मिनट हम बैठे थे। ये देखो आदान प्रदान हो रहा है चिज्जी का, एक देगी और एक लेगी, ये नहीं कि अपने भैया को एक से ज़्यादा दे दे, इसे कोई मतलब नहीं है। फिर कह रही है मुझे देखो ये खटारा ट्रेन, इस ट्रेन के पीछे एक थोड़ी सी वैसी गंदा सा इंजन खड़ा था ना, तो उसको ये खटारा ट्रेन बोल रही थी। सब लोग को ये लगता होगा ना, ये दो बच्चों को लेके घूमने निकल जाती है, लेकिन जिन्हें वृंदावन से प्यार है ना वही समझ सकते हैं कि हम हर हाल में वृंदावन जा सकते हैं और हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखो क्या बोल रही है मामा, इसे ट्रेन से ना खटारा ट्रेन आ गई। अच्छा, वो पीछे थोड़ी पुरानी सी ट्रेन खड़ी है ना, तो उसको देख के बोल रही है खटारा ट्रेन आ गई। हम लोग ना अपनी सीट पर बैठ गए थे, तो मैंने एक साइड लोअर डाली थी एक साइड अपर डाली थी, लेकिन मेरी साइड वाली भी ऊपर आई और उसके सामने वाली भी ऊपर आई, तो साइड अपर में सिद्धार्थ बैठ गया था और मैं इस साइड बैठ गई थी। और फिर रात को मैंने बच्चों से पूछा तुम्हें भूख तो नहीं लगी, तो फिर छोटी मिठाई खाने लगी, छोटी को भी भूख लगी थी, और मैंने जाते जाते दो रोटी डाल ली थी, सिद्धार्थ को भी भूख लगी, सिद्धार्थ को भी दी, और बस फिर आराम से सो के मज़े में सफ़र कट गया। बहुत खुश थी मैं यहाँ पर, बहुत खुश थी। और यहाँ पर है ना सोने में इतने बार बार उठ रही बैठ रही उठ रही, बच्चों ये ना बहुत चिलबिल बहुत है इसके अंदर, खुरापात बहुत है। बस बिहारी जी की कृपा से सफ़र इतना अच्छा कटा, पता ही नहीं चला कि रात कब हुई। बस ये ठीक है कि लोग बहुत बोलते हैं स्लीपर में, ये नहीं सोचते कि सामने वाले बंदे को तकलीफ़ हो रही होगी, और मैं पहुँच गई वृंदावन।